बात चल रही थी रिकमेंडेशन लेटर की। अब रिकमेंडेशन लेटर आप खुद लिखते हैं, सेल्फ अटेस्ट करके आगे बढ़ाते हैं, चाहे वो पढ़ाई के सिलसिले में हो या फिर जॉब के सिलसिले में हो, या फिर आप दूसरा रास्ता इख्तियार करते हैं जहाँ पे आप किसी को चुनते हैं जो आपके पढ़ाई से एजुकेशन सेक्टर में रिलेटेड है, किसी रिस्पेक्टेबल पोजिशन पे है, या फिर अगर आप नौकरी करते हैं तो वहाँ पे एक रिस्पेक्टेबल पोजिशन पे है जिनसे आप चाहते हैं कि वो आपका रिकमेंडेशन लेटर लिखें। अगर आप किसी और को चुनते हैं बजाय अपने आपके अपना ही रिकमेंडेशन लेटर अपने आप ही लिख के उसको आगे फॉरवर्ड करने से अगर आप बचते हैं तो उससे क्या क्या फ़ायदा होता है। अगर आप किसी रिस्पेक्टेबल पोजिशन के किसी भी इंडिविजुअल को अपने लाइन में अपने फील्ड में चुनते हैं और वो अगर आपका रिकमेंडेशन लेटर लिखते हैं तो तीन चीज़ें आपके पास खुद ब खुद चल के आ जाती हैं। सबसे पहली चीज़ क्रेडिबिलिटी कि हाँ वो बंदा एक रिस्पेक्टेबल पोजिशन पे है, यानी कि वो जो भी कुछ लिख रहा है आपके रिकमेंडेशन लेटर में उसकी क्रेडिबिलिटी है, उसको ऑनर किया जाएगा, उसकी बात को माना जाएगा क्योंकि वो अपने स्ट्रगल से उस पोजीशन में पहुंचा है और उसकी बात का कुछ ना कुछ मायने होता है सोसाइटी में, इकोसिस्टम में, इसलिए वो जो भी कुछ लिखेगा उसकी बात का वजन होगा, उसको क्रेडिबिलिटी मिलेगी। और अगर वो आपके लिए कुछ अच्छा लिख रहा है, अगर आपको रिकमेंड कर रहा है किसी भी आगे पद के लिए या किसी भी एजुकेशन सेक्टर में किसी भी असाइनमेंट या प्रोजेक्ट के लिए, तो उसकी बात का एक वेटेज है जो आपको खुद ब खुद मिल जाएगा अगर आप किसी और से रिकमेंडेशन लेटर लिख पाते हैं। दूसरा फायदा होगा कि हाँ जाहिर सी बात है अगर आपने किसी और को चुना है जो एक रिस्पेक्टेबल पोजिशन पे है, वो आपका रिकमेंडेशन लेटर अगर लिखता है तो आपके पास खुद ब खुद एक वेरिफिकेशन का जो डाउट रहता है ना एचआरए रिक्रूटर के दिमाग में आपको लेके, वो एकदम क्लैरिफाई हो जाता है और आपको आसानी से वो जॉब मिल जाती है या वो असाइनमेंट मिल जाता है या प्रोजेक्ट मिल जाता है। या फिर अगर आपको अपने पढ़ाई के सिलसिले में उस रिकमेंडेशन लेटर की बहुत ज्यादा जरूरत थी तो आसानी से आपका वेरिफिकेशन पार्ट डन और डन हो जाता है, वहां पे फिर कोई डाउट्स नहीं रह जाते हैं। और तीसरा बेनिफिट, तीसरे एडवांटेज, अगर आप किसी और को चुनते हैं जो एक रिस्पेक्टेबल पोजिशन पे है जो आपका रिकमेंडेशन लेटर लिखने वाला है, तो तीसरी बहुत बड़ी चीज जो आपके पास अपने आप चल के आ जाती है, क्या आप मुझे बता सकते हैं वो तीसरी ऐसा कौन सी चीज है, तीसरा ऐसा कौन सा बेनिफिट है जो आपके पास खुद ब खुद चल के आ जाता है अगर आप किसी और से अपना रिकमेंडेशन लेटर लिखवाते हैं। जी हाँ, वो बेनिफिट है, उसका नाम है कॉन्फिडेंस। यानी कि जो भी एचआर है, जो भी रिक्रूटर है, इसके अलावा जो भी आपको असाइनमेंट या प्रोजेक्ट देने वाला है, अगर आपके प्रोफेसर हैं, अगर आपके लेक्चरर हैं, या अगर आप किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, किसी भी कोर्स या पढ़ाई के सिलसिले में आप उस रिकमेंडेशन लेटर को लिखवा रहे हैं, तो खुद ब खुद जिसके पास वो रिकमेंडेशन लेटर जाने वाला है वो कॉन्फिडेंट हो जाता है आपकी उन सारी बातों को लेके जो आपने उस रिकमेंडेशन लेटर में लिखवाई है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो रिकमेंडेशन लेटर जिस बंदे ने लिखा है, जिस शख्स ने लिखा है, वो एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे है, उसकी बात का एक महत्व है, उसकी बात की एक वैल्यू है क्योंकि वो पोजीशन उसने बहुत ही स्ट्रगल से हासिल की है। इसी वजह से जब भी आपके पास चॉइस है कि रिकमेंडेशन लेटर आप खुद लिखना चाहेंगे या फिर आप किसी और से लिखवाना चाहेंगे, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब यही होना चाहिए कि आपको रिकमेंडेशन लेटर किसी और से अपने लिए लिखवाना चाहिए जहाँ पे आप अपने लिए खुद तो वाउच कर ही रहे हैं कि आपको ये सारी की सारी चीजें आती है, लेकिन वहां पे कोई दूसरा शख्स भी आपके लिए खड़ा है आपको सपोर्ट करने के लिए। आप जो चीजें अपने बारे में कहोगे जाके इंटरव्यू में या कह चुके हो उसको एक और एडिशनल सपोर्ट मिलता है जब आप किसी और शख्स से अपना रिकमेंडेशन लेटर लिखवाते हो। अब जहां आपने पहले मोड पे डिसाइड कर लिया कि रिकमेंडेशन मैं लिखूंगा या मैं किसी से लिख पाऊंगा, जवाब आया कि ठीक है मैं किसी से अपना रिकमेंडेशन ले पा रहा हूँ, मुझे एक और शख्स मिल जाएगा जो मेरी कैपेबिलिटीज और कॉम्पिटेंसी को सपोर्ट करेगा। अब ये रिकमेंडेशन जो मैंने डिसाइड कर ली है कि मैं लिखवाऊंगा किसी और से, अब मैं लिखवाऊंगा किससे, कौन होगा, हु, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे सामने। क्या आप किसी से भी, किसी को भी अप्रोच कर लेते हैं, चाहे आप पढ़ाई के सिलसिले में किसी से रिकमेंडेशन लेटर लिखवाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर नौकरी के सिलसिले में किसी से रिकमेंडेशन लेटर लिखवाने की सोच रहे हैं, या कुछ आपके दिमाग में क्राइटेरिया होता है कि हाँ मुझे इस शख्स से, ऐसे ऐसे शख्स से इस तरीके से रिकमेंडेशन लेटर लिखवाना है, अगर ये सवाल मैं आपसे पूछूं तो आपका जवाब क्या होगा? अब किस तरीके से आप डिसाइड करेंगे कि वो शख्स कौन होना चाहिए जो आपका रिकमेंडेशन लेटर लिखेगा, चाहे वो पढ़ाई के सिलसिले में हो या फिर आपके जॉब के सिलसिले में हो? सबसे पहला क्राइटेरिया जो आपको रखना है, जो आपको देखना है, निर्धारित करना है जिसके बेसिस पे कि वो कौन होगा, वो शख्स होना चाहिए जो आपको बहुत अच्छी तरीके से इन एंड आउट जानता हो, जिसके साथ आपने करीबी से काम किया हो, जो आपकी कैपेबिलिटीज को, आपकी कॉम्पिटेंसी को, आपके स्किल को, आपके टैलेंट को
आपकी स्ट्रेंथ को बखूबी पहचानता हो। सिर्फ और सिर्फ इतना ही नहीं, वो एक ऐसा शख्स होना चाहिए जो विलिंग भी होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ यहाँ से बात नहीं बनेगी कि वो सिर्फ और सिर्फ ये जानता है कि आपने क्या खूबियां हैं, बल्कि बात तब बनेगी जब वो बंदा बहुत ज्यादा इच्छुक होना चाहिए आपको मदद करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए। और ये आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता है, आपको उस बंदे से मिलके बैठ के बात करनी पड़ेगी, चाहे आप फोन पे करें चाहे आप इन पर्सन मिले। उसके बाद आप ये निर्धारित तो तय करेंगे कि ये बंदा क्या मेरी मदद करने के लिए तैयार भी है, जिसको मैं सोच रहा हूँ कि ये आगे जाके मेरे रिकमेंडेशन लेटर लिखेंगे और मेरा पूरा फुल सपोर्ट करेंगे थ्रू आउट द प्रोसेस। तो अपने रिकमेंडेशन लेटर को लिखवाने के और उसकी पूरी पूरी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कोई और नहीं बल्कि आप खुद होंगे। उस शख्स को चुनने के लिए आपको ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी जो आपका रिकमेंडेशन लेटर लिखेगा पूरी और पूरी तत्परता से। एक बार जहां आपको पता लग गया कि अब वो शख्स मुझे मिल गया है जो मेरे बहुत करीबी है और जो बहुत इच्छुक भी है मेरी मदद करने के लिए, उसके बाद आपको ये भी पता करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ठीक है, बंदा इच्छुक भी है, मेरे बहुत ज्यादा करीबी है, मेरे सारे खूबियों को ये जानते हैं, लेकिन क्या ये मेरी खूबियों को बखूबी उतार पाएंगे अपने रिकमेंडेशन लेटर में? क्या ये अच्छे लेखक भी है या नहीं है? यानी कि आपका रिकमेंडेशन लेटर सिर्फ और सिर्फ वही शख्स अच्छा लिख सकता है जो लिखने में बहुत कमाल का हो। अगर वो बंदा, अगर एक ऐसा शख्स आपको मिल गया जो इच्छुक भी है साथ साथ में लिखता भी कमाल का है, तो वो ऐसी छाप छोड़ेगा रिक्रूटर एचआर पे या जिस भी असाइनमेंट या प्रोजेक्ट या किसी भी शिक्षा के सिलसिले में अगर आप जाना चाहते हैं उस रिकमेंडेशन लेटर को आगे लेके, ऐसी छाप छोड़ेगा कि आपका सिलेक्शन पक्का है। तो आपको दूसरे स्टेप में निर्धारित करना है कि क्या जिससे मैं रिकमेंडेशन लेटर लिखवाने की सोच रहा हूँ वो इच्छुक बहुत है, बहुत मदद करते हैं, सबकी मदद करते हैं, लेकिन क्या वो अच्छा लिखते भी है या नहीं लिखते हैं? जब आपने एक बार ये भी देख लिया, ये भी सुनिश्चित कर लिया कि हाँ वो इच्छुक भी है, लिखते भी बखूबी कमाल का है, उसके बाद आखिरी चीज आपको क्या सुनिश्चित करनी है? उसके बाद जो आखिरी चीज आपको सुनिश्चित करनी है वो ये है कि वो शख्स जो इच्छुक भी है, लिखता भी कमाल का है, जैसे ही जब भी उसका लिखा हुआ कोई भी पढ़ता है तो वो ऐसे छाप छोड़ता है कि वो कभी ना भूलने वाली छाप होती है। उसके बाद आखिरी चीज वो ये है जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो बंदा एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन में होना चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि बस क्योंकि वो आपका बॉस है, आपका सुपीरियर है या आपसे एक हायर हायरार्की पे है, तो आपने उसे चूज कर लिया वही आपका रिकमेंडेशन लेटर लिखेगा। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने सिर्फ अपने बॉस को, अपने सुपरवाइजर को या इमीडिएट बॉस को चूज किया है क्योंकि वो आपके ज्यादा क्लोजली अच्छी तरीके से काम कर चुके हैं, लेकिन एक्चुअली आपने उनसे ज्यादा किसी और के साथ रह के अपने डिपार्टमेंट में काम किया है, वो शख्स आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, बजाय इसके कि आपके इमीडिएट बॉस या आपके सुपरवाइजर आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझें। तो इस तरीके से आपको सोच समझ के, समझ बूझ के ये चुनाव करना है कि सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर इमीडिएट हयाती वाला मैटर नहीं करता है, बल्कि वो कोई भी हो सकता है अगर ज्यादा से ज्यादा हायर पोजीशन पे वो बंदा होगा, बल्कि अगर आप किसी ऐसे शख्स को चूज करते हैं जो रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे होगा तो उसकी बात का महत्व ज्यादा होगा। तो आप लोगों को समझ बूझ के फिल्टर करना है कि जो आपका रिकमेंडेशन लेटर लिखने वाला है वो बंदा कौन होगा, कौन सी ऐसी रिस्पेक्टेबल पोजीशन होगी या कौन सा ऐसा बंदा है जो इच्छुक है, कौन सा ऐसा बंदा है जो कमाल का लिखता है जिसको आप चूज करेंगे अपना रिकमेंडेशन लेटर बनाने के लिए, चाहे वो पढ़ाई के सिलसिले में हो या फिर वो नौकरी के सिलसिले में हो। इसी सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा भी अगर किसी और टॉपिक में आपको कोई भी डाउट है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ऑनलाइन कोच करूँ, काउंसिल करूँ, मेंटर करूँ या फिर गाइड करूँ या फिर ट्रेनिंग दूँ, तो आप मुझे व्हाट्सएप ही कर सकते हैं टॉपिक के साथ। मेरा नंबर है 9311659252। और अगर आप कोई सेटअप है, कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है, कोई एनजीओ, कोई प्राइवेट ग्लोबल फर्म है या कोई गवर्नमेंट सेटअप है, अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन मोड के जरिए मैं आप तक पहुंचूं, आपके एम्प्लॉयज़ को, आपके इंटर्न्स, आपके मैनेजर्स, आपके सीनियर मैनेजर्स, आपके सीएक्स लेवल के एम्प्लॉयज़ या सीईओज को कोच करूं, काउंसिल करूं, मेंटर करूं या फिर ट्रेनिंग दूं ऑनलाइन मोड के जरिए, तो आप मुझे प्रपोजल भी भेज सकते हैं। मेरा आईडी है verma.roli@gmail.com।